यूएसजी की रिपोर्ट से पहले शॉर्ट कवरिंग ने सोयाबीन की कीमतों में फिर से तेजी लुटा दी है। केएलसी और सीबोट सोयाबीन में बढ़त के चलते सीबोट सोया तेल में भी मजबूती देखने को मिली है, जिसके चलते इंदौर मार्केट में भी सोया तेल के दाम में हल्की तेजी आई है। दरअसल शुक्रवार को सोया तेल इंदौर 965 से 970 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया है। हालांकि सोया तेल में मांग भी अच्छी देखने को मिल रही है। उधर अमेरिका में सोयाबीन का साप्ताहिक निर्यात 6,13,000 टन रहा है। यूएसडीए की ओर से मासिक सप्लाई डिमांड रिपोर्ट जारी होनी है, जिसको लेकर जानकारों को उम्मीद है कि यूएसडीए ब्राजील में सोयाबीन पूर्वानुमान और विश्व सोयाबीन के अंतिम स्टॉक में कटौती करेगा। और उधर कमजोर क्रशिंग मार्जिन के चलते चीन का सोयाबीन आयात 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है। अर्जेंटीना में 80% सोयाबीन क्षेत्र सामान्य से उत्कृष्ट स्थिति में है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि यूएसडीए की रिपोर्ट के बाद ही बाजार को सही दिशा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।